अच्छा अमित जी, हमने ऐसा सुना है कि जैसे किशोरदा को कोई बुरा बोल देता था, वो बदला जरूर लेते थे वो, ये सही बात है? सही बात है, मतलब कि एक बार हुआ था, वो पिताजी ने बताया था मुझे बचपन में, अभी जब खंडवा से आए वो अच्छा। बॉम्बे आए तो 1946 में आए थे, 45-46 में आए। अच्छा जी। दादा उन्हीं तब तो स्टार थे, पिताजी को खाने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो कहीं शूटिंग है तो किशोरिया, दादा उन्हें किशोरिया बोलते, किशोरिया हाँ चल आज मेरा यहाँ शूटिंग आएगा, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा, अरे खाने को मिलेगा, अच्छा आता हूँ। तो सर तो एक बॉम्बे टॉकीज या फिल्मिस्तान में उस वक्त मुहूर्त था, अशोक कुमार हीरो थे, तो फिर पिताजी गए, अभी दादा मुनि अशोक कुमार जी वॉज वेरी हैंडसम यू नो, गोरे थे एकदम, पिताजी थोड़े से मतलब काले थे, तो छोटा सा बच्चा सब लॉलीपॉप लेके आया है 9 साल 10 साल का दादा मुनि, तो जैसे एंट्री हुई दादा मुनि तो सब आ गए फोटोग्राफ ले, डायरेक्टर भी आ गए, दादा मुनि वेलकम, हेलो वेलकम, वेरी गुड गुड विशेस, बोल कैसा देखा तो ये कौन है दादा मुनि? भाई है किशोर। अच्छा अच्छा अच्छा, काला है? आप कितने गोरे हैं, काला काला जैसे बोला ना बाबा, मुझे काला बोला, मुझे काला बोला अनमन में, ठीक है बच्चू मेरा भी जब वक्त आएगा देख लूंगा मैं। अच्छा। और वक्त तो आया बाद में, ये हीरो बन गए, अभी वही डायरेक्टर दादा मुनि को फोन कर रहे, ही वॉज वेरी क्लोज टू दादा मुनि। अच्छा जी। दादा मुनि आजकल किशोर बहुत अच्छा काम कर रहा है पिक्चर में, आई वॉन्ट टू टेक हिम एज अ हीरो। ठीक है मैं बात करता हूँ। तो बाबा दादा मुनि ने फोन किया, किशोर तू ऐसा ऐसा है, डायरेक्टर फोन किया है, और याद है वो मुहूर्त में आया था, बोले हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे वो तेरे को हीरो लेना चाहता है। तो बाबा बोले काला। तो काला किसको बोल रहा है? नहीं, नहीं, नहीं मुझे याद आया, तो बदतमीजी मत करना, वो उसका आदमी आएगा हाँ, तो तू जाके मिलना ऑफिस में, मैनेजर आए। तो बाबा बोले ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। बोले क्या है? बोलिए। बोले मैं जब आऊँगा उनके उनसे मिलने, डायरेक्टर साहब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनका ऑफिस तो होगा वहाँ पे। बोले बिल्कुल ऑफिस है वहाँ पे, टेबल तो होगा हाँ, बोले इस तरफ चेयर होगा वहाँ पे बैठे होंगे वहाँ, तो मेरी जब एंट्री होगी तो मेरी एंट्री में मैं वहाँ से गुलाटी मारते मारते आऊँगा, ऐसा गुलाटी मारते 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 मैं टेबल के ऊपर आके खड़े हो जाऊँगा ऐसा करके, और वो वहाँ से उठ के वो भी गुलाटी मार के टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे दोनों ऐसा सैल्यूट करके, दोनों वहाँ पे बिजनेस की बात होगी, बल बल बल, हेलो हाउ नाइस मीटिंग, कितना कितना पैसा लोगे, क्या बल बल बल, ये पिक्चर है तुम हीरो, उसके बाद गुलाटी मारते मारते मैं निकल जाऊंगा, और वो भी गुलाटी मारते मारते वहाँ पे बैठ के वो चेयर घूमता हुआ चेयर में घूमेंगे। अच्छा। ये मेरी शर्त, उसने जाके बोल दिया। अच्छा। बस ये बिकम फिरोशस हो गए, फोन किया उन्होंने, दादा मुनि क्या हुआ, क्या किया उसने? बोले मैं उसे हीरो लेना चाहता था, लेकिन थैंक यू, लेकिन उसने ऐसा बदतमीजी की, उसने ऐसा किया, पूरा सुना दिया। तो अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ, फोन रखा, फिर दादा मुनि घूमे, फोन किया, तूने क्या किया, मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, तू अब भी है मेरे पास। बाप पिताजी गए जाके, तो अच्छा दादा मुनि घूम रहे थे वहां पे, मतलब जैसा शेर घूमता है ना पिंजरों में, वेट कर रहे हैं। तो जैसे पिताजी की एंट्री हुई तो ऐसा देखा, आज हंसी भी है। उनको अच्छा भी लग रहा है उसका। क्या बोला तूने, क्या बोला? बोले कुछ नहीं दादा बोली, मैं बचपन में जब गया था ना तो मुहूर्त में तो मुझे काला बोल दिया, काला बोला हाँ मुझे काला बोल दिया, तो मुझे लग गई, अब मेरा टाइम आया तो मैंने उसका ऐसा बदला लिया मैंने, तो उसमें क्या बुरा क्या किया मैंने। सुनिए दादा मुनि बोल रहे क्लाइमैक्स, दादा बोले तू ये सब करके बच जाता है, मेरे से होता नहीं है। अच्छा जब से आया हमने सुमित से एक भी गाना नहीं सुना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, गाओ कि ये खून में तो है ही गायकी, सुमित कुछ भी हो जाए जो आपको पसंद है वो गाओ ना। चला जाता हूँ, चला जा मेरा फेवरेट सॉन्ग, चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, चला गा दो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए,
भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने ले हो, चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच झूठे बहाने लिए तो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। थैंक यू। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। अच्छा तेरी कसम और एक लव स्टोरी जो दो फिल्में आई थी, अमित जी ने पूरे पूरे उसमें गाने गाए। अमित जी, अगर किशोर साहब के इतने सारे मजेदार किस्से हैं तो आपके तो कितने सारे किस्से होंगे? देखिए लव स्टोरी जिसमें मैं आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव जी, कुमार गौरव का वॉइस हो गया था जी, बिल्कुल। थैंक्स टू, थैंक यू, थैंक्स टू आर डी बर्मन जी, राहुल रवेल, राजेंद्र कुमार जी जी। अभी हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग बहुत हैं और दूसरे किस्म के लोग बहुत हैं जो हवा देते हैं। तो किसी ने जाके पंचम दा को बोल दिया कि अमित तो आजकल पंचम दा पता नहीं अपने आप क्या समझ रहा है, ऐसा 20,000 मांग रहा है, ये मांग रहा है, बुला उसको। बुलाया तो मैं गया, तो सबको बाहर किया, फिर मेरे को लेक्चर शुरू। तू क्या किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी क्या कर रहा है, तू अभी से पैसा मांगता है? पहले बेस बनाओ यार, खबरदार पैसा नहीं मांगने का। किशोरदा के पास इतने 2-3 झाड़ एक हिलाएगा तो 1 करोड़ गिरेगा, तू पैसा क्यों मांगता है? अच्छा नहीं मांगूंगा, मतलब मैं तेरे को दूसरी पिक्चर देता हूँ तेरी कसम, कल आ जा गाना गा, पैसा नहीं मांगने का। मतलब नहीं मांगूंगा। तो मैं गया, मैंने गाना गाया, मुझे 2,500 का चेक मिला भैया। अच्छा वाह। तो मैंने 2,500 देख के ऐसा बोला, 2,500 मिल गया पंचम, मुझे 2,500 का चेक मिला, क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अपने बल बूते हुए मिला तुझे 2,500 का चेक, जा बैंक में जमा दे। मैं बैंक में जमा दिया, चेक बाउंस हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।